नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ में पत्ता गोभी की बिल्कुल नई तरह की सब्ज़ी शेयर करने वाली हूं जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो मैंने यहां पे एकदम ताज़ा ताज़ा एक पत्ता गोभी ली है। इसके हम सारे पत्ते निकाल के अलग कर लेंगे, बाकी की जो कैबेज बचेगी इसको हम साइड में रख देंगे। यहां पे मैंने 1.5 कप चना दाल को करीब 3 घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगो दिया था, पूरी तरह से फूल चुकी है। जो आधी यहां पे पत्ता गोभी बची है इसको हम रफ चॉप कर लेंगे। साइड में मैंने 2 ग्लास पानी पैन में गर्म कर लिया। इसके अंदर टमाटर 3-4 प्याज डाल देंगे, 4 से 5 किलो लहसुन की और साथ में 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। जो पत्ता गोभी की हमने यहाँ पे टुकड़े करे थे उनको हम इसमें डाल के और ढक के करीब 1 से 2 उबाल आने तक हम पत्ता गोभी के इन पत्तों को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने कैबेज को रफ चॉप किया था उसे डाल लेंगे, साथ में चना दाल डाल के इसकी हमें पेस्ट बनानी है। तो देखिए, पत्ता गोभी के मैंने सारे पत्ते पहले यहाँ पे निकाल लिए हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं इनको मैंने करीब 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर दिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं तो इनको हम निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब मैंने देखिए यहाँ पे कैबेज और चना दाल की पेस्ट बना के तैयार कर ली। इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ में डाल देंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी की फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं तो हम टमाटर के छिलके निकाल देंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर हम रफ चॉप कर लेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें बॉयल हो चुकी हैं तो इनको हमें पकाने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं तो ग्राइंडिंग जार में डाल के बढ़िया सी पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और पत्ता गोभी के अंदर जो पानी था उसको हमने नैपकिन से पोंछ लिया है, पेस्ट बन के तैयार है। तो ये पत्ते थोड़े से हमने सॉफ्ट कर लिए हैं क्योंकि उनके हमें रोल बनाने हैं। तो चना दाल को रख के हम इनको फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नई तरह की सब्जी है और इसका स्वाद बेहद अमेजिंग है। आप सबको ये सब्जी बेहद पसंद आएगी। पानी यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, साथ में एक लिड रखा है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। तो देखिए, जो बाकी की चना दाल बची थी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के इसकी पकौड़ी बना दी है और रोल को भी मैं साइड में रख दूंगी। इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर बॉईल करने हैं, मतलब कि उबाल लेंगे तो अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए तेल गरम है तो थोड़ा डाला है जीरा, हल्दी और कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और जो मसाला पीस के हमने तैयार किया था उसको डाल के हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। 1 तेज़पत्ता डाला है। देखिए धीमी धीमी आंच पे मसाला पूरी तरह से भून के तैयार हो गया है। इसी के साथ में यहाँ पे देखिए चना दाल की पकौड़ी और कैबेज और चना दाल के रोल भी यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें डाल देंगे मसाले में लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डाला है स्वाद अनुसार नमक और करीब मैंने 1.5 से 2 कप पानी ग्रेवी के लिए डाल दिया है। इसको करीब 2 मिनट के लिए ढक दिया था। देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो 1/2 चम्मच डाला है इसके अंदर गरम मसाला। अब इसके अंदर हम चना दाल की पकौड़ी और कैबेज और चना दाल के रोल डाल देंगे और करीब 2 मिनट के लिए इसको हम फिर से पकने देंगे। तो आज की सब्ज़ी बहुत पसंद है। कुछ नया खाना हो, घर में गेस्ट आए हो, तब इस तरह की सब्ज़ी बना के खिलाइए, सबको बेहद पसंद आएगी। थोड़ा सा डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। तो अब बारी है प्लेटिंग की। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो सब्ज़ी बनाई है वो ग्रेवी वाली है। इसे आप रोटी के साथ, पराठों के साथ और राइस के साथ खाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़िया बढ़िया से कॉमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।